अस्सलाम वालेकुम जनाब ज़ारा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ इस टाइम मुल्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बोर्डिंग वगैरह सब करा दी है, मेरा लगेज जो है ना बिल्कुल स्मूथली क्लियर हुआ है। 2018 में फ़र्स्ट फ्लाइट ली थी मैंने इजिप्ट के लिए, और आज उसके बाद सेकंड फ़्लाइट ली है दुबई के लिए। तो आज का जो सफ़र है वो बड़ा प्यारा होने वाला है। आपको प्रोसेस तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ मैं वर्बली ज़रूर बताता हूँ आपको कि कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं और क्या कुछ नहीं रखना या कौन सा सामान रखा जा सकता है। मुल्तान एयरपोर्ट का ये है लाउंज, जो फाइनल स्टेज आपकी है वो आप यहाँ पे आके बैठेंगे और अपनी फ़्लाइट का वेट करेंगे। और अगर आपने मज़े लेने हैं तो मज़े आपको इस शीशे के उस साइड पे आ सकते हैं जहाँ से आपको हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स फ्लाई करते, टेक ऑफ करते, उतरते हुए सब नज़र आता है। तो कोशिश करते हैं कि फ़्लाइट आती है तो आपको थोड़ा सा प्लेन के शीशे भी दिखाते हैं। और इतना कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट नॉर्मल है। ड्यूटी फ्री शॉप्स कुछ इस तरह से हैं। ये खाने वाला पॉइंट है, मैके के नाम से मिस्टर कोड है जो कि बंद है इस टाइम। पीछे जैनब ड्यूटी फ्री शॉप है, कुछ शॉप्स हमारी इस साइड पे हैं, वो ये वाली कुछ खाने पीने की हैं, कॉफ़ी स्टेशन और इस तरह की। तो इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन यस यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और उनके मेरे ख्याल से जेट खड़े हुए हैं। तो यहाँ से कॉप्टर जो है ना कंटिन्यूसली हर आधे घंटे बाद उड़ रहे हैं। ये है जनाबे वाला एयरपोर्ट, यहीं से जो है ना फ्लाइट सारी उड़ रही हैं और यहीं से लैंड हो रही हैं। अब आपको जब तक तो कोई जहाज़ नहीं आता तब तक तो क्या दिखाएं, खाली रनवे ही है। तेरी खैर, बड़ी लंबी लाइन है भाई। हाय हाय, क्या बनेगा बाबू। ये आखिरी लाख मुसाफिर खवातीन और हजरात के लिए है जो फ्लाई दुबई की प्रवास 326 से दुबई के लिए सफर कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि नंबर इंतजार पर तशरीफ ले जाएं। जी जनाब आला, ये खड़ा है हमारा जहाज, वो है टर्मिनल नंबर 2 और ये है 1 पे लगा हुआ है फ्लाई दुबई। देखते हैं किसी तरह अगर कुछ नज़र आ जाए तो। कॉकपिट में कोई पायलट तो ज़रूर बैठे हुए हैं। ये हैं सारे सीन्स यहाँ के। ओके, नहीं जी जनाब अला स्टार्ट हो गया सफ़र हमारा। ये लें जी बड़े बड़े विंग्स, मतलब छोटे ही हैं, टर्बाइन भी एक है, परफेक्ट यार। मज़े की बात ये है कि हमारी सीट मिडल वाली है, ऐसी मज़े की बात है नहीं, लेकिन हम जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे। ओके जी, ये है यहाँ का आई थिंक एग्जीक्यूटिव क्लास, और यू कैन से दैट एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव है क्योंकि बिजनेस इसमें नहीं है, इकॉनमी है एंड एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव लुक्स लाइक दिस, उस नॉर्मल सीट्स हैं, कोई LEDs होंगी शायद सीट के पीछे लगी हुई, कोई ज़्यादा प्रोटोकॉल वाला सीन नहीं है। जहाज़ छोटा है, जहाज़ छोटा है, और जितना क्रू है, अभी पहले जिसने क्रू ने वेलकम किया वो लाइक शी लुक्स लाइक अ फिलिपिनी वन, बाकी आगे जो खड़ी नज़र आ रही हैं वो भी फिलिपिन की नज़र लग रही हैं। Because how to get on. If the device has something, it's an option to get on.
प्लेन से आता है रिव्यू ऑफ टाइम फ्लाई दुबई का। प्लेन इज़ अ वेरी शॉर्ट प्लेन, लाइक इसमें एग्जेक्टिव क्लास की ही कुछ सीट्स हैं, वो भी एग्जेक्टिव नहीं कह सकते, पता नहीं उसे क्या कहेंगे, थोड़ी सी नॉर्मल सीट्स हैं। और जो इकॉनमी की सीट्स हैं यार, वो तो भाई बस वाली सीट्स हैं, कोई इतनी ख़ास नहीं है। सीट्स की आप जो है ना वो देख सकते हैं, लाइक ये आपकी ट्रे है, ये आपकी एलसीडी है विच विल टर्न ऑन आई थिंक आफ्टर अ वाइल। इसके बाद आप यहाँ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। तो भाई दैट्स ऑल। लेग स्पेस भी इतनी नहीं है, आई एम 6 feet हाई, तो ये लेग स्पेस है। तो मुझे शुक्र है कि मेरी ई थी सीट, तो मुझे दरमियान वाली मिली, लेकिन भाई खुद ही दरमियान वाली पे बैठ गया, तो मुझे अपनी टांग सीधी करने का अच्छे से मौका मिल गया, क्योंकि टांग में इशू है, यू ऑलरेडी नो दैट। आमीन आमीन आमीन। अरबी में कुछ बोला है भाई, पता नहीं क्या बोला है। आमीन। Plane is heading towards the main runway. फुल भाई वीडियोग्राफी चल रही है। स्टाफ भी सारा सेटेड है इस टाइम, अल्लाह करे टर्बुलेंस ना हो। रात से पेट ख़राब है और कुछ खाया भी नहीं है, खाली पेट फ्लाई कर रहा हूँ। जैसे आगे से जो फ्रंट है वो ऊपर है और पीछे से ऐसे टेढ़ है। अभी भी आल्टीट्यूड जो है ना वो गेन करा रहे हैं, बुलंदी पे पता नहीं कितने, मुझे पता नहीं कैसे पावर ऑन होनी है, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा भी आज पता चला है कि बादलों की दो लेयर होती है, पहली लेयर पे गए क्रॉस की है, नीला आसमान आया, फिर उसके ऊपर गए, फिर एक और लेयर आई है, अब दूसरी लेयर है वो क्रॉस करेंगे, फिर ऊपर नीला आसमान आएगा। तो फिर आप थोड़े से शॉर्ट्स भी दिखाते हैं कि कैसे लगता है ऊपर से। नहीं जी, खाना सब होना शुरू हो चुका है और डिनर में सब हो रहा है कुछ स्पेसिफिक टाइप का, जो कि अभी जाते हुए मैंने ट्रे में तो देखा है, लेकिन समझ नहीं आया था क्या, जैसे ही पास आएगा फिर देखते हैं। Thank you so much. जी मिल सब हो गया हमें,
मील में आई थिंक देयर इज सिंगल सैंडविच केक एंड देयर इज समथिंग टू ड्रिंक ओके वाटर प्लेन वाटर जबरदस्त अल एन का है आई थिंक आई हैव सीन देयर मैनी एड्स ये दुबई में वो पानी है जिसके प्रमोशंस भी बहुत अच्छी लगती हैं अभी पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तानी इसी पानी की कुरानदाजी में एक पाकिस्तानी ने 1 लाख दरहम शायद या 1 मिलियन दरहम जीते हैं वो पानी है भाई बाकी अभी टेस्ट करके दिखाते हैं थोड़ा सा फ्री हो जाए फिर कि टेस्ट है कैसा है रेट करते हैं आज इसे ओके परफेक्ट वन थिंग मोर यहाँ पर 2 चल रही थी जो कार्ड्स थी एक में जो था मील हमें वैल्यू एडेड मील कह सकते हैं लाइक जो भी हमें मिला हुआ था सेकंड कार्ड में कुछ चीज़ें थी जो लाइक शी वाज सेइंग कि अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं जिसमें मैंने मास्क की चॉकलेट देखी है और मैंने टिन पैक देखे हैं कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपने परचेज़ करनी है सिर्फ आपको फ्री में यही दिया गया तो भाई फ्री का माल ही खाएँगे क्यों पैसे लगाएं कैसा फिर ओके गाइस दिस इज द सैंडविच इसके अंदर सारा ये वेज है मुझे कैरेट नज़र आ रही है क्यूकम्बर नज़र आ रहा है और कैबेज नज़र आ रही है तो इसे अनरैप करते हैं यस SW ग्रिल्ड वेज कॉरोनेशन यूज्ड बाय 14/10/23 आज 14 है ना हाँ आज की डेट के लिए ही है ये ले भाई अनरैप कर लिया दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ठंडा है हम तो ऐसी चीज़ें गर्म खाना पसंद करते तो पहले बाइट लेके देखते हैं और पता नहीं लगता कैसे मेरे साथ 2 पैसेंजर हैं इनको भी टेस्ट कराते हैं और इनका भी रिव्यू लेते हैं कि भाई हाँ बताएं कैसा लगा से मैं रेट करूँ इसका 6/10 बहुत नॉर्मल है बस सिर्फ वेजीज हैं लाइक ना होने के बराबर ही चीज़ दी है हाँ जी भाई बेहतर नहीं लगा मुझे यार इतना कोई ख़ास नहीं लगा लाइक नॉर्मल कोई चीज़ ही नहीं डाली हुई ऐसी सब्जियाँ डाल के पकड़ आती है बाइट ले लें पकड़े सही से रिव्यू देना है मुझे नहीं अच्छा लगा आप कह सकते बेहतर है लो जी भाइयों के रिव्यू बेहतर गए हैं और मेरा रिव्यू नहीं अच्छा भाई मुझे नहीं मज़ा आया क्या पता नहीं हम चाहते हैं कि हर चीज़ में चिकन ही डाल दिया जाए अच्छा जी इन्होंने फ्रेश वाइप भी दिया है जो नीचे पड़ा था नज़र नहीं आया खाना खाने के बाद अच्छे से मुँह साफ़ कर लें हाथ साफ़ कर लें अब हमारी बारी है केक की केक तो वैसे ही कप केक है बहुत ही अच्छा होगा इस पर तो नो डाउट लेकिन पता नहीं इतना ठंडा क्यों है फ्रोजन फूड दे रहे हैं क्या पानी भी पी के देखते हैं लास्ट में भाई बाकी बातें बात की केक नस्ली दिया भाई इन्होंने ये जो केक के ऊपर चीज़ें लगी हुई ना केक की सॉफ्टनेस बता रही है आह चस्कीला केक है एक बॉल मजेगा था दस आगे 100 ml पानी है ये हमारा तो एक घूटी बनेगा ये लेकिन मेहरबानी पानी दे दिया इन्होंने बाकी चीज़ें जो है ना परचेज करनी पड़ेगी अब ये नहीं पता करेंसी कौन सी है लाइक जैसे मेरे पास रुपीज़ हैं करके देखें केक ने गेम उठा दी मज़ा आ गया थोड़ी देर के लिए टमी भर गया शुरू में ऐसा लग रहा था शायद थोड़ा लेकिन टमी फिल हो गया तो भाई खाना जो है ना हमारी तरफ से 8/10 बहुत अच्छा बेहतर केक भाई 10/10 बहुत आला केक के मज़े कराए हैं सर भाई पड़ा हुआ थोड़ी देर तक हाथ और मुंह भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि ऑयल आ जाता है हमारी स्किन पर
मैं बाजी ढूंढ रहा हूँ, बाजी वापस आए क्योंकि वो पीछे गई हुई है, उससे हम 3 पैक परचेज करके देख रहे हैं कि कितने में देती है और पाकिस्तानी करेंसी एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। तो अभी तक जी हम बादलों के बीच में ही उड़ रहे हैं, बराबर में बादल हैं, रोशनी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी देर तक आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्टॉल इज़ जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ अस, ये चाय या कॉफ़ी का है, तो आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें तो हम बिल्कुल टेस्ट करेंगे। अभी पैसों वाली चीज़ भी करनी थी बट वो ट्रॉली दोबारा वापस ही नहीं आई, तो फिर हमने भी बॉदर नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं। माय गॉड, मेरी कॉल, कॉफी तो फौरन चेंज हो गई, पार्टी बदल लिया साला। चलो जब लगता है कुछ पीने का काबिल होगी, क्योंकि ब्लैक से थोड़ी चॉकलेट ब्राउन हो गई, थोड़ी सी चॉकलेट ब्राउन हो गई है। छोड़ी, मेरे साथ वाले भाई ने भी छोड़ दी, कहता भाई बहुत कौड़ी है। भाई नहीं पी जाएगी, बहुत बहुत कड़वी है, बहुत हार्ड है, इतनी हार्ड हम पाकिस्तान में तो नहीं पीते यार, हम तो पीते हैं लाटे दूध वाली कॉफ़ी, कम चाय ज़्यादा। भाई मैं कर रहा हूँ बंद, मेरी होगी बस, फ्री की कॉफ़ी थी, नसीब नहीं हुई, बहुत अफसोस हुआ हमें बाबू भैया, बाजी वापस ले जाए, हमने नहीं पीनी। वो भाई ला दे थले, कितों लाएगा, थक गए हूँ, चंगा अड़ाया सानू यार तू। भाई आ गए हैं रेस्टोरेंट में, लेवल ट्री में कुछ इस तरह का सीन होता है, लेवल ट्री से यहाँ से लॉक होता है, बैठना कैसे है वो बताया गया है, और ये आपका हैंडल है जिससे आपने डोर को लॉक एंड लॉक करना है, अगर आपने सिगरेट पीनी है तो ये उसकी एस्ट्री है। यहाँ से शोर आ रहा है किसी चीज़ का कंटिन्यूसली, पता नहीं सीधा खुला हुआ है हवा की तरफ, आई डोंट नो क्यों शोर है। ये छोटा सा कमोड है और फ्लश बटन है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, यहाँ पे कुछ वाइप्स हैं, तो ये वही सीन यहाँ का। वी आर about to land in Dubai.
तभी हम विद इन सेकेंड्स ये हमारे टायर लगने लगे नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अबे भाई पूरा जहाज हिल रहा है। बाकी चीज़ें अब आपको बाहर निकल के दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच गए हैं। लाइन लगा के खड़े हैं सारे। कब वन बाय वन बंदे बाहर निकले और हम भी यहाँ से बाहर निकले। थोड़ा कैमरा चले जनाब यार यहाँ पे ना ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप अगर फर्स्ट टाइम हैं फिर तो आपके लिए नहीं चलेगा, अगर आपका सेकंड टाइम है फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमारा था फर्स्ट टाइम, तो हम अब आए हैं इमिग्रेशन ऑफिस। बहुत लंबी क्यू है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी स्टैम्प लग गया, मैनुअल हुआ। और अभी हमने लेना है अपना बैग, उसके बाद फिर बाहर वेट कर रहे हैं भाई, उनके पास जाना है। करेंसी एक्सचेंज ओके। देयर आर लॉट ऑफ चॉकलेट्स एंड वाइन्स। ओह माय गॉड स्पेशल ऑफर ऑन वाइन्स। दुबई ड्यूटी फ्री
यार सामान वो देख सामने मुल्तान वाली फ्लाइट लिखी हुई 12:50 फ्लाई दुबई है जो ती आना और कितने आना घूमता पे आया जैसा दिल करे चुक लै अपना चुकना अपना चुक लै किसी का चुक लै अपने चुकना अच्छा जी पहले ले आइए ट्राली पहले ट्राली लेनी है फिर हमने अपना सामान जो है ना वो निकालना ये जा रहा बैग यही है ना यस यही है अच्छा भी ये देखो चबलों ने जिप वाली जगह खोली अल्लाह हदायत दे तुम लोगों को भाई बाकी देखो जहाँ पे वो थे इसके वो नहीं खुले ठीक हो गया मेरे ख्याल से हाथ में पकड़ के ले जाएंगे तो ये वीडियो नहीं बन पाएगी फिर आपको क्या दिखाएंगे हम दुबई के जी जनाब वाला तो हमने कर लिया है चेकआउट एयरपोर्ट से अब हम खड़े हैं बाहर बस का वेट कर रहे हैं बस नंबर 43 जो हमें यहाँ से मेट्रो तक लेके जाएगी तो देखते हैं कि कब तक आती है बस वैसे एक आके गुजर भी गई थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई तो सामने से गुजर गई और लेट हो गया मैं थोड़ा सा तो अगली बस का वेट कर रहे हैं धूप बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा है लग पता गया हम आ गए जी मेट्रो में मेट्रो स्टेशन और हमें 43 बस मिल गई बड़ी प्यारी जो है ना ये बसेस हैं जैसे हमारे पंजाब में भी चल रही हैं ग्रीन लाइन और जो रेड वाली बसेस होती हैं वो इसी तरह की बिल्कुल बसेस हैं